जिंदाबाद 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 देवी जिंदाबाद जिंदाबाद देवी जिंदाबाद 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 देवी जिंदाबाद 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 देवी जिंदाबाद 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 देवी जिंदाबाद 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 देवी जिंदाबाद जिंदाबाद वार्ड संख्या से रेखा देवी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया। आप देख सकते हैं रामू कुमार जो कि समाज सेवी हैं और महिला सीट होने के कारण इनकी भाभी इस बार वार्ड संख्या 42 से चुनावी मैदान में है। लक्ष्मीपुर के इलाके से ये लोग आते हैं, पहले भी चुनावी मैदान में रह चुके हैं और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब भी समाज को जरूरत पड़ती है तो रामू लोगों के लिए बिल्कुल खड़े उतरते हैं। रामू जी से हम बात करेंगे। रामू जी, नामांकन पर्चा आपकी भाभी ने दाखिल कर दिया, किस वार्ड से और क्या नाम है? मेरी भाभी वार्ड नंबर 42 से अपना नामांकन कराई और मेरे पूरे परिवार एक सामाजिक रूप से रहता है और समाज के लिए कार्य करता है। ऐसा कुछ मेरे मोहल्ले के वोटर हैं वो कभी ना सोचे कि रामू जी नहीं है। भाभी हैं तो रामू है तो भाभी है, दोनों हम लोग एक समान एक परिवार एक हैं। तो जो विकास का मुद्दा लेकर रामू जी आज उतरे हैं वार्ड के लिए, वो विकास होगा अपूर्ण रूप से धरातल पे ही होगा एकदम। क्या सोचे हैं आपकी वार्ड को किस तरीके से विकसित करेंगे? देखिए मेरा वार्ड एकदम के जंक्शन है, सिवान जंक्शन उसके सटे एक वार्ड है, वो इतना पिछड़ा है 20-25 साल से, मतलब इतना पिछड़ा है सर कि मतलब हम लोग बहुत ट्रस्ट हो गए हैं अपने वार्ड से। काफ़ी लोग पे विश्वास किया लोग वोटर लोग, बट कोई उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज के डेट में सर ना लाली का व्यवस्था हुआ और ना कोई मतलब के इस बार लग रहा है कि जनता आप लोगों को समर्थन। जी जी बिल्कुल, जनता ही मुझे चुनी है। रेखा जी क्या कहेंगी जनता से, अपने वार्ड की जनता से? बोलिए हम करेंगे, हम करेंगे गरीब लोग को सेवा, बहुत रोड सब करेंगे, सेवा कीजिएगा। हम माने हम वार्ड वन को देखेंगे, बहुत करेंगे हम, बहुत बिल्कुल। आपने देखा वार्ड संख्या 42 से रेखा देवी जो कि रामू कुमार की भाभी हैं वो नामांकन पर्चा दाखिल कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम लोग इनको नॉमिनेशन का माला भी पहना रहे हैं और इसी तरीके से इनको देखना होगा कि जनता किस तरीके से सपोर्ट करती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।